पटना सिटी चौक थाना अंतर्गत कंगन घाट से लेकर झाओगंज घाट के बीच गंगा के भूखंड को लेकर भरने तथा इस पर हुए निर्माण को लेकर आपको बताते चले कि पटना जिला सुधार समिति के महासचिव राकेश कपूर द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण उच्च तथा सर्वोच्च न्यायालय को भेजे गए हैं। आवेदन मामले की जांच करने शुक्रवार को टीम मौके पर पहुंची। आवेदनकर्ता की उपस्थिति में EDM विशेष अरुण कुमार, DCLR अभिलाषा कुमारी, अंचलाधिकारी पटना सदर समेत अन्य अधिकारियों ने कंगन घाट पहुंचकर भूखंड का निरीक्षण किया। वहीं AGM ने कहा कि जिलाधिकारी के निर्देश पर पहुंची टीम भूखंड की वास्तविक स्थिति को देखने के बाद अपनी रिपोर्ट से संबंधित अधिकारी को अवगत कराएगी। निरीक्षण के दौरान तख्त श्री हरमंदिर सिंह गुरुद्वारा के अधीक्षक दलजीत सिंह, प्रबंधक दिलीप कुमार सिंह, हर्षोत सिंह व अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। आपको बताते चले कि वही आवेदनकर्ता राकेश कपूर ने कहा कि कंगन घाट का प्राचीन नाम चिमनी घाट है। इनका आरोप है कि गंगा के भूखंड पर अवैध रूप से कई निर्माण कार्य किया गया है। खाली भूखंड को लगातार मलबा से भरा जा रहा है। उन्होंने बताया कि यह मामला 7 जनवरी को कोर्ट में दर्ज होने के बाद 10 जनवरी को ऑनलाइन सुनवाई की गई। अगली सुनवाई 12 फरवरी को प्रस्तावित है। निधि सिंह के साथ टीम की रिपोर्ट। NGT का एक आया हुआ जांच करने के लिए DM साहब ने टीम गठित किया है। जांच होने के बाद आपको डिटेल मिलेगी। कब तक हो जाएगा उम्मीद सर? अभी होने दीजिए प्रोसेस में। आखिर मामला था क्या गया सर? कंगन घाट को लेकर क्या था बताइए। बोले ना कि यहाँ पर जमीन को लेकर के NGT में एक केस गया हुआ है जिसमें NGT के द्वारा डायरेक्शन मिला है कि जमीन का स्टेटस आप देख करके बताइए, ठीक है ना। उसके बाद जैसा होगा आपको रिपोर्ट आएगी, तब उसके बाद आपको बताएंगे। परिचय सर आपका? मैं ADM स्पेशल हूँ पटना में। हाई कोर्ट के निर्देश पे 2017 से हम लगे हुए हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कलकत्ता के ऑफिस में गए। उस समय इसका इतना लंबा प्रोसेस था कि पटना जिला सुधार समिति आर्थिक रूप से इतना सक्षम नहीं थी कि वो वहाँ केस फाइल करे, लेकिन हम लगे हुए थे 17 से। इधर 7/11/2023 को हमने आवेदन सादा कागज़ पर मतलब लेटर पैड पर सुधार समिति के भेजा और उसका कॉपी चीफ जस्टिस हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट को दिया। ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इस पर संज्ञान लिया। हम उससे दूरभाष पे मोबाइल पे संपर्क किया और कहा कि आपके केस का संज्ञान लिया जाता है और कोर्ट में ये केस दर्ज हो गया है। 10 तारीख को जनवरी को सुनवाई होगी, आप ऑनलाइन जुड़े। मैं उस दिन जुड़ा तो वहाँ से पता चला कि उन्होंने मेरे केस में संज्ञान लेते हुए बिहार के मुख्य सचिव, बिहार स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और उसके मेंबर सेक्रेटरी के माध्यम से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पटना, आयुक्त पटना नगर निगम को नोटिस भेजा। तो आदेश की जो कॉपी 12 तारीख को जो सर्व हुई थी मेरे पास आया, तो उसमें उन्होंने कहा केस नंबर गलत हो गया था, तो फिर दोबारा उन्होंने मेल किया और कहा कि इसकी एक कॉपी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को जो ओरिजिनल एप्लीकेशन है उसको लगा के नगर आयुक्त को भी दें। मैंने बाई पोस्ट भेजा नगर आयुक्त को भी और गुरुद्वारा को भी। गुरुद्वारा ने वहाँ से 16 जनवरी को वापस कर दिया मेरा नोटिस। और उस आदेश में ये था कि प्रबंधक कमेटी के मेंबर और सीनियर साइंटिस्ट बिहार स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पटना या कोई एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के समक्ष कोई अधिकारी, आयुक्त पटना नगर निगम के पदाधिकारी और CO वगैरह स्थल का निरीक्षण करके अपना रिपोर्ट 4 सप्ताह के अंदर दाखिल करेंगे। उसी के संदर्भ में आज ये जांच टीम आई थी और इसमें ADM थे, प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के थे अरुण कुमार और CO थे पटना और चीफ इंजीनियर आयुक्त नगर निगम और कितने अधिकारी थे मालूम नहीं। मुझे सूचना मिली तो मैं आया तो यहाँ देखा और उन लोग को बोला कि भाई सबसे बड़ी बात यह है आज जो आप आए हैं ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश पे,
अगर आप एक्टिव रहते तो ग्रीन ट्रिब्यूनल को हस्तक्षेप करने की क्यों जरूरत पड़ती है? ये जो मलबा भरा रहा है, एक टोकरी मलबा कोई फेंकता है रोड पर तो उसको फाइन कर देते हैं आप, वो कहते हैं अंदर कर देंगे, काहे मलबा फेंक रहे हैं। ये जो इतना मलबा गुरुद्वारा तोड़ तोड़ के मलबा डाले जा रहा है, झाव घाट से लेकर यहाँ तक मलबे से भर दी, अब गुरुद्वारा का अवैध निर्माण कर दी, साल भर बाद बिहार सरकार भी पर्यटन भवन बना दी, इसको कौन देखेगा? माँ गंगा के गोद को मलबे से भर दिया गुरुद्वारा ने, ये मेरे आस्था के साथ तो खिलवाड़ है न, सनातन धर्म के साथ खिलवाड़ है। आज गंगा की ये गति हो जाएगी, गंगा दूर होती जा रही है, लोग को पानी मिलना मुश्किल होगा, तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे कुछ घर को चिन्हित किया गया थोड़े ला। अरे भाई, जब सरकारें गुरुद्वारा कब्जा कर रहा है, तू गरीब देखा देखी कब्जा कर रहा है, सरकारों को जमीन काहे दी? गंगा को देने वाला कौन होता था सरकार, जो उसका रेवेन्यू भी सालों साल ले रहे हैं आप? सरकार ने क्यों जमीन बेचा? किसी को राइट नहीं है गंगा को बेचने का या गंगा को लीज देने का। इसका है कि संज्ञान लिया एनजीटी ने, मैंने 10 तारीख को भी उनको धन्यवाद दिया था और स्वागत किया था, यह स्वागत योग्य कदम है। अब देखिए अधिकारी अपने रिपोर्ट में क्या देते हैं, 12 तारीख को पुनः हेयरिंग होगा, उसमें हम उस दिन कहेंगे कि वैशाली और सारण के भी रेवेन्यू पदाधिकारी और डीएम को पार्टी बनाया जाए, क्योंकि पहले ही यह जमीन सारण और वैशाली दोनों की थी, अभी हम वैशाली पे खड़े हुए हैं, सामने में सारण है का जमीन है, ये दोनों को बनाया जाए। कि इन लोगों ने जमीन दिया कैसे? अभी ये पटना वाले बोले कि नहीं यह पटना में शामिल हो गया, लेकिन पहले देने वाला तो सारण और वैशाली था ने। तो गंगा का जो ये दुर्दशा हो रही है उसके लिए सबसे बड़ा हम मानते हैं सरकार दोषी है, और सरकार पता नहीं क्यों एक धार्मिक संस्था के प्रति ये हुई है ढली है कि सारा दे रहा है और मलबा भरे जा रहा है, का बनावेगा क्या ना बनावेगा, वो गुरुद्वारा तो सामने नजर आ रहा है जो कि गुरुद्वारा कभी था ही नहीं। 300वां वर्ष जब गुरु गोविंद सिंह का मना, उस समय रातें रात ग्रंथ साहब रख के कही कि गुरुद्वारा हो गया, आइए गो का नाम गोविंद घाट हो गया, गोविंद घाट से अब करते करते कंगन घाट हो गया। अगर सरकार में इतनी हिम्मत है तो चिमनी घाट का नोटिफिकेशन निकाले कि कंगन घाट किया, चिमनी घाट अभी भी सर्वे में है, लिखा हुआ है आई क्यों, मतलब कि कंगन घाट का बोर्ड लगा रहे हैं।